देश और दुनिया की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। जी हां दोस्तों, राजस्थान में पंचायती राज चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। राजस्थान में 3 चरणों में पंचायती राज चुनाव होने बताए गए हैं, जिसके बावजूद भी कुछ पंचायतें ऐसी हैं जिनमें पंचायती राज चुनाव अभी घोषित नहीं हुआ है। इन पंचायतों में चुनाव के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा रखी है। फैसला 6 जनवरी को आना निश्चित हुआ था, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने 6 जनवरी को कोई भी सुनवाई नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के लिए 8 जनवरी को दिनांक फिक्स किया है। 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा, परंतु इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने इस चुनाव के लिए तारीख का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने राजस्थान में पंचायती राज चुनाव के लिए 4th चरण की दिनांक 1 फरवरी की घोषणा की है। 1 फरवरी को पंचायती राज चुनाव के अंतिम चरण में सभी पंचायतों में चुनाव करवा दिए जाएंगे, परंतु 19 पंचायतें ऐसी हैं जिनमें चुनाव 1 फरवरी को भी नहीं किया जाएगा। वह कोर्ट के फैसले पर ही निर्भर रहेगा। 1 फरवरी को पंचायत में सरपंच के चुनाव, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला 8 जनवरी को आएगा, जिसके बाद यह निर्धारित हो जाएगा कि लॉटरी वापस से निकाली जाएगी या फिर वही प्रक्रिया के अंतर्गत चुनाव होने हैं। अगर लॉटरी वापस से निकाली जाएगी तो संपूर्ण रूप से लॉटरी के बाद में सीटों का आरक्षण भी दोबारा से होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार के विपक्ष में फैसला देता है तो लॉटरी प्रक्रिया पुनः नहीं की जाएगी, वैसे ही चुनाव करवाए जाएंगे जैसे कि सीटें अभी निर्धारित की गई है। आगे की अपडेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए।